दोस्तों आज मैं हमारे रैबिट्स के लिए चारा लेके आया हूँ और उसके साथ दो छड़ियाँ लेके आया हूँ, एक हमारे रैबिट्स के लिए और एक हमारे पैरट्स के लिए। इसको छिलो यार। आज हमारे पास बुरहान और साइम भी आए हुए हैं और ये आप छिलो यार। इसके जो छिलके होंगे वो हमारे रैबिट्स खा लेंगे, पता नहीं छलिया हमारे पैरट्स खाएंगे कि नहीं। जल्दी छिलो ना, छिलनी आती है ना। ये साइम ने छील ली है और नीचे काफी गंद मचा दिया यार। हमारे रैबिट्स अभी निकलेंगे ना, सारा ये खा लेंगे और ये हम अपने पैरट्स कॉलोनी में रखते हैं। ये लो यार, इनका खाना वगैरह और लॉलीपॉप मैंने उठा लिया था। मैंने कहा आज सिर्फ हम इनको छली देंगे और चेक करेंगे खाते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सब दोस्तों की सपोर्ट के साथ हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी 50K करवा दें। और मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है, सरप्राइज के अंदर सरप्राइज है। पहला सरप्राइज आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे एडवाइस की जरूरत है, आपके मशवरे की जरूरत है। तो हम अपने पेट हाउस में एक बड़ा मास्टर केज बनाने वाले हैं। तो अब आपने मुझे अपनी एडवाइस देनी है कि मुझे मास्टर केज यहाँ पे बनाना चाहिए या यहाँ पे। यहाँ पे भी मेरा बनाने का प्लान है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने बनाया तो काफी बड़ा बनेगा, काफी मजा आएगा। तो घर वाले कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाने नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि आप घर का नक्शा ही तब्दील कर दोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम मास्टर केज बनाएंगे ना तो मुकम्मल ये वाला बनाएंगे। तो हम मास्टर केज में पेट्स वगैरह नहीं रखेंगे, बर्ड्स रखेंगे। बर्ड्स ऐसे रखेंगे कि आपका देख के दिल खुश हो जाएगा और वो आपके लिए सरप्राइज होगा। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि हमें मास्टर केज वहाँ पे बनाना चाहिए या यहाँ पे। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, टीटू की तरह हूँ। तो ये ऊपर वाला सारा का सारा फ्लोर हमारा है, तो हम इधर कुछ भी बना सकते हैं। बस उसके लिए जस्ट आपकी सपोर्ट चाहिए, तो इसी तरह आप अपनी सपोर्ट जारी रखें। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, तो आपने वीडियो के अंत तक देखना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि हम रोज के व्लॉग बनाते हैं तो आप डेली के व्लॉग देख सकें। यार इन कलरफुल चिक्स को क्या मसला, अपने आप को यहाँ पे फंसा लेते हैं। और एक हमारा कलरफुल चिक्स इस तरफ आ गया बड़ी मुर्गियों के साथ। ओ तेरी खैर, ओए कहाँ आ रहा है? ओए ओ यार इधर आयो, ओ इधर से आओ यार, पागल हो गया हो, इधर से आओ। इस केज में जो बुरहान और साइम आए हुए हैं ना, वो हमारे रैबिट्स को छेड़ रहे हैं। ओए पकड़ा है यार इसको, खाना खाना है, ये खुद ही खाना खा लेते हैं, इनकी मम्मा फीड करवाती है। और ना निकाल यार, है वहाँ पे नहीं, रहने दे उसको, फिरता रहने दे, वो सामने बैठा हुआ है। इधर आ जाओ ना, डिस्टर्ब करो इनको। बाहर आओ, मैं आपको फिशेज दिखाता हूँ। चलो चलो रमीजा, तू भी इनके साथ आई हुई थी। ये देखो ये थी हमारी फिशेज, बिल्कुल फ्रेश हैं। दोस्तों पहले दिन हम जो पानी डाला था ना, वही पानी है। अभी तक हमने इसका पानी तब्दील नहीं किया, आज हम इसका पानी भी तब्दील करेंगे। नीचे फिल्टर वाला पानी है, तो वो हम तब्दील करते हैं इसका पानी। और दोस्तों ये चेक करें, अभी हमने जो छली रखी थी ना, वो हमारे सारे पैरट्स ने मिलकर फिनिश कर दी है। मतलब इतने शौक से खाते हैं, अभी पहली दफा लेके आया हूँ। ये चेक करें, सारी की सारी फिनिश हो गई है। अब हम इनको लॉलीपॉप देते हैं और इनको खाना वगैरह देते हैं। ये लॉलीपॉप आपको नहीं पता, हाँ ये इनके आपने खाना खाना आपने खा लो। हम इनको इधर रख देते हैं और ये आपके लिए खाना। अब हम अपनी फिशेज का पानी तब्दील करते हैं। ये मैं फिल्टर वाला पानी ले आया हूँ। सारी फिशेज को पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, फिर पानी वहाँ पे डाल के फिर हम फिशेज को वहाँ पे छोड़ देंगे। अब मैं पकड़ता हूँ हाथ से, हमारे पास नेट नहीं है, वो भी लेके आएंगे। तो अब ये पकड़ना भी इनको काफी मुश्किल है। इधर आ जाओ यार, ये एक आ गई मेरे हाथ में, ये रही, ये काफी बड़ी है, ये अपने कांटे मारती है। पहले पकड़ू इसको मैं, यार हाथ में नहीं आ रही यार। एक और आ गई, लेकिन ये भी छोटे वाली है, वाली मेरे हाथ में आ गई। ये देखो ये देखो ये देखो, तेरी खैर, ये बड़े वाली है, कांटों वाली, इसने मुझे अभी कांटा मारा था। ये और दोस्तों मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। वो भी फिश है, और इस तरह की फिश नहीं है, वो काफी बड़ी है, उसको मैंने दूसरे टब में रखा हुआ है। दोस्तों हमारे पेट हाउस में ये वाला बच्चा आया है और ये वहाँ पे ग्राउंड में खेल रहे थे और मुझे बुलाने के लिए आया। कह रहा है हमने एक चीज देखी है वहाँ पे पड़ी हुई है, छोटी सी है, कह रहा मुझे खुद नहीं पता क्या चीज है। तो वैसे भी सारे टाउन वाले मुझे जानते हैं, बच्चे बड़े कोई भी चीज देख लेना। उस दिन एक बच्चा आया छोटा सा, उसने गुलहरी देखी, वो मुझे बुलाने के लिए आ गया, हमाद भाई ये गुलहरी आके पकड़ लो। तो मैंने कहा यार हम गुलहरी कहाँ पकड़ते हैं। तो अब ये वाला छोटा बच्चा आया, ये कह रहा है कोई छोटी सी चीज वहाँ पे ग्राउंड में पड़ी हुई है, तो मुझे बुलाने के लिए आया। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या चीज है। फ्लाई करती है, चलती फिरती भी नहीं है, नेट की फिर मतलब जरूरत नहीं है। चलो फिर चलते हैं। ओए ओए तुम कहाँ आ रहे हो? काफी दूर जाना है हमने वहाँ पे, आप रहने दो, चलाओ यार हम चलते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे बच्चे मेरे साथ आ गए हैं, वो सामने बच्चे खेल रहे हैं और इनके पास है, मुझे लग रहा है। क्या है, क्या चीज है, क्या है? ओ तेरी, इसको क्या हुआ है? ये इधर ही पड़ा हुआ था, हम खेल रहे थे, ये इधर अभी जिंदा था, ये अभी मरा है। मर गया ये? ओ तेरी, पानी वगैरह पिलाया था इसको? नहीं पिलाया यार, पानी तो पिलाते वो सामने नहर है, वहां से हम थोड़ा सा पानी पिलाते हैं इसको, शायद जिंदा हो।
इसके मुंह के आगे फेंकना, हाँ ऐसे करके करके यार, इसके मुंह में आए ना ऐसे। नहीं यार बेचारा एक्सपायर हो गया, पहले जिंदा था ये, चल फिर नहीं रहा था ये, नहीं बड़ा हुआ था वहाँ पे। ओए होए है क्या चीज़ दोस्तों, इसका मुझे पता नहीं है ये चीज़ क्या है। वैसे मैंने इसको आके देखा तो मरा हुआ था, तो मैं तो इसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा था शायद ज़िंदा हो, तो लेकिन पता नहीं है चीज़ क्या है ये, क्या है ये वैसे पता है आपको कि नहीं? नहीं पता। मैंने भी आज पहली दफ़ा देखी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये, ना ही तो बटेरा है, तितर की तरह है लेकिन इसकी टांगें इतनी बड़ी बड़ी हैं, तितर की तो ऐसी टांग भी नहीं होती और चोंच भी नहीं होती, चोंच भी इसकी काफ़ी लंबी है, तो ये बगले की कोई किस्म होगी है ना? हाँ लेकिन बगला इस कलर में होता ही नहीं है, ये तो ब्लैक कलर में है, तितर के कलर में है ये। दोस्तों मेरे आने से पहले ये चीज़ एक्सपायर हो गई है, पता नहीं क्या चीज़ थी, अगर ज़िंदा होती तो अच्छा होना था, क्या पता हम इसको बचा भी लेते। चलो यार अब हम इसको यहाँ पे ना दफना देते हैं, तो हम अपने पेट हाउस में ले जाते हैं वहीं दफना देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कसी नहीं है। ओए टीटू इधर आ जा, गिर जाएगा तू, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे हमने खड्डा कर दिया है और यहाँ पे हम इसको दफना देते हैं। अगर हमारे पास ये वाली ज़िंदा चीज़ हाथ लग जाती ना काफ़ी मज़ा आना था, लेकिन पहले एक्सपायर हो गई थी हमारे आने से पहले। तो दोस्तों आपने मुझे कमेंट में बताना ये चीज़ क्या थी, और बच्चों ने इतनी जल्दी दफना भी दी है, ओ तेरी खैर। ओ यार मैंने अभी देखना था उसको, अल्लाह हाफिज़ कहना था, तुम लोगों ने दफना भी दी है। दोस्तों कल शाम को मैं अपने पेट हाउस में एक स्नैक फिश लेके आऊँ, काफ़ी बढ़िया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। फिश नेट देख रहे हैं ना, इधर मैं गया था कहीं काम, तो आगे करके ना लोग ना शिकार कर रहे थे, वो ना रस्सियाँ फेंक के ना उसके साथ फिश आ जाती है, कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा लेते हैं उसको अंदर फेंकते हैं तो उसके साथ फिश आ जाती है, फिश का शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने एक ना स्नैक फिश बाहर निकाली थी। ओए तूने बाहर भी निकाल दी, ये रही, ये इन्होंने बाहर निकाल के ना रखी हुई थी, इसको पता नहीं सेल करते हैं या खाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हम सेल करते हैं, तो मैंने कहा मैं बाय कर लेता हूँ, लेकिन मेरे लेने से पहले, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ये बेचारी एक्सपायर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पानी से निकाल के बाहर सड़क के ऊपर रखी हुई थी, तो बेचारी एक्सपायर थी। मैंने कहा चलो मैं ले लेता हूँ, इन्होंने वैसे भी सेल करनी थी और जो लेके जाता है इसको वो उन्होंने खानी थी, तो मैंने कहा हम ले जाते हैं अपने पेट हाउस में, हम इसको ना फिर अपने टर्टर को खिलाएंगे। तो मैंने अभी भी टर्टर बाहर निकाल दिए, टर्टर ने बिल्कुल भी नहीं खाया और इसको कोई चक्की वगैरह भी नहीं काटी हुई। अगर हमारे पास वो बड़े वाला टर्टर होता ना, उसने ये वाली खा जानी थी। इतनी बड़ी फिश मैंने पहली दफ़ा देखी, अगर ज़िंदा होती ना तो काफ़ी मज़ा आना था, हम अपने पेट हाउस में लेके आते और इन फिशेज़ के साथ छोड़ देते, ये जो हमारी फिर रही है। अरे प्यास लगी हुई आप लोगों को, यार इधर मैं आपको पानी देता हूँ, ये ले पानी दें यार उधर से, तो ये बेचारी एक्सपायर हुई है यार। काश मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे पहुँच जाता ना तो शायद मुझे ये ज़िंदा मिल जाती, लेकिन एक्सपायर मिली है। अब ये हमारी फ़िश किसी काम की नहीं, ना ही हम इसको खा सकते हैं, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करूँगा, इसकी छोटी छोटी बॉडियाँ करके ना जो हमारे पास बड़े वाला टर्टर है उसको दूंगा, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं, तो करके देखते हैं। ये एक्सपीरियंस मैं वीडियो एंड करने के बाद करूँगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मसला होता है ऐसे कोई ब्लड वगैरह दिखाने से या किसी चीज़ को काटने से, तो इसलिए आज के लोग हम यहाँ पे ऐड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।